अंदोलन किवें लड़ रहे हैं लोग, बहुत लोग हैरान होंगे ने कि लोग इन्ने लंबे समय तक बार्डर उत्ते बैठे किवें ने, ये लोग दिल्ली पहुँच किवें गए, इन्हां दे अंदर ये भावना आउंदी कित्थों है। तो मैं उस भावना नूं तुहाडे नाल जोड़िया कि जो तुसीं जदों पुलिस का तशद तुहाडे उत्ते होया, जिहड़ी भावना तुसीं उत्ते प्रगट कीती, वह अंदोलन की भावना सी। गुरु साहब महाराज की जिहड़ी बाणी है, बंदगी है, जो कोई किसी तरह का भी, मैं नहीं कहिंदा भी असीं कोई सेवा सिमरन करदे हां जां कोई होर है, आपस को जो भला कहावा किसी भलाई निगट ना आवे। अंदोलन को भंडन दी बड़िया कोशिशा हुई, तोड़न दी बड़िया कोशिशा हुई, लोगों उतों मोड़न दी बड़िया कोशिशा हुई। तो हूँ एक बेअदबी की घटना बार्डर उत्ते वापरी है, उन्होंने ये भी आख्या जा रहा है कि एक साजिश का हिस्सा है, जिवें उस व्यक्ति ने कबूलनामा भी किया कि सानू 20 बंदे नूं इन्ने इन्ने हज़ार दे के भेजा आ, उस घटना नूं किवें देख रहे? जरूरी नहीं कोई गुरु ग्रंथ साहिब ना कोई रंजस हैगी है, जां कोई जमीन सामनी हैगी है, जिथे कोई नशियां दी दलदल विच जिहड़े फस गए ने, जां कोई मैं कोई नशे की लोड़ करके जिहड़ा हो सके वी असीं जिहड़ियां उन्हां नूं देखिया जांदा, जिहड़ा हैगा एजेंसियां वल्लों उन्हां बंदियां नूं खरीदिया जांदा, उन्हां तों जिहड़ियां घटनावां वरताईआं जांदियां ने, कितें ना कितें कोई उन्हां दी निजी रंजस नहीं कोई हो सकदी उन्हां दी जिहड़ी हैगी है। फर्क की समझिए, एक पासे तां तुहाडी भावना देखदे आ जिहड़ी कहिंदी आ कि मेरे ते जिन्ना मर्जी तशद्द ढा लो, मैं अपनी दस्तार नहीं छड्ड के आनी, मैं दस्तार लैके जानी आ, तो दूसरे पास वो भावना आ जाती है जिहड़ी ये भी सोच नहीं करती कि मेरा पिता आ, ये मेरा धर्म का वो आगू है जिन्हें मैनू हर सेध जिथों मैं लैनी है। कोई जिहड़ा हैगा उन्हें कोई जो घटना कितने वरताउंदे ने, वो किसी सियासतां वल्लों भी बंदे तोरे जाते हैं, है कोई उन्होंने लालच दिते जाते हैं, हुण कोई गरीब ला ला, मजदूर ला ला, जां किसी तरह के भी सैक्स सारे धर्मां च चंगे माड़े हुंदे ने, जिहड़ी घटनावां वरताउंदे ने तां उह कोई स्टैंड लैके जां कोई रुपईआं दे लालच जां किसी होर चीज़ां दे लालच पक्क नूं रख के भी तुरदे हैगे ने, कोई जरूरी नहीं हुंदा उन्हां नूं। तुसीं सोचदे की हो कि इन्हां नूं नत्त किवें पाई जा सकदी है, जां नत्त वट टुके नत्त पाई जा सकदी है, जां किसी कोई होर ढंग अपनाया जा सकदा? पर जिहड़ी हुण साडे कोल जिहड़ी शक्ति रहेगी, एक सिर्फ वोट तंत्र की शक्ति रहेगी, जिहदे नाल असीं जे कौम नूं पूरे अपने स्टैंड नूं उच्चा कर सकते हैं, तो जिहड़ा असीं पूरी अपनी शक्ति चा के इन्हां नाल असीं निपट सकते हैं, पर मेरे कोल दूजा तरीका नहीं, मैनूं लगता भी हुण शायद होवे। तां तुसीं देख रहे हो KTV UK, मैं अमदीप सिंह। किसानी अंदोलन दे विच इक भावना सी, उह भावना है ते उह भावना तुहाडे रूबरू करावांगे, उह भावना है चढ़दी कला दी, उह भावना है कि किवें अंदोलन चल रहा है, वो जज्बे की ने, वो किहड़े जज्बे ना लोगों ने उन्हां बार्डर उत्ते लई बैठे ने, तो इन्हां जज्बिआं दी इन्हां भावना दी जिउंदी जागदी मिसाल जग्गी बाबा जी साडे नाल ने, उहनां दे नाल गल्लां बातां दी सांझ पाउने आ। बाबा जी फतेह सांझी करदे आ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू फतेह। वीर जी फतेह जी, किवें चढ़दी कला चो जी? हाँ चढ़दी कला वीर। तो मैं गल्लबात जदों शुरू कीती, मैं कहा भी अंदोलन दी जिहड़ी भावना है, तुसीं अंदोलन दी भावना हो, कि अंदोलन किवें लड़ रहे हैं लोग, बहुत लोग हैरान होंगे ने कि लोग इन्ने लंबे समय तक बार्डर उत्ते बैठे किवें ने, ये लोग दिल्ली पहुँच किवें गए, इन्हां दे अंदर ये भावना आउंदी कित्थों है? तो मैं उस भावना नूं तुहाडे नाल जोड़िया कि जो तुसीं जदों पुलिस का तशद तुहाडे उत्ते होया, जिहड़ी भावना तुसीं उत्ते प्रगट कीती, वह अंदोलन की भावना सी। देखो वीर जी, जिहड़ी भावना की गल करदे हो, देखो है ना, गुरु साहब महाराज की जिहड़ी बाणी है, बंदगी है, जो कोई किसी तरह का भी, मैं नहीं कहिंदा भी असीं कोई सेवा सिमरन करदे हां जां कोई होर है, आपस को जो भला कहावा, गुरबाणी का शब्द है, आपस को जो भला कहावा किसी भलाई निगट ना आवे। जे असीं आखी भी आपने आप नूं असीं चंगे हैं जी, बहुते सियाणे हैं, बहुते चंगे नहीं, बहुते मतलब गुरु साहब नूं पता हैगा भी चंगे हैं जां माड़े हैगे हैं, वो जिहड़ा हैगा गा भी जिहड़ी घटना उत्थे दस दिओ, जिहड़ा भावना की गल करदे हो, ये सिर्फ जिहड़ी कित्थों भावना आउंदी है, सिर्फ सानूं जिहड़ी ताकत है जिहड़ी, जिवें बाबा जरनैल सिंह जी सीगे, क्योंकि वह किहड़ा जालम सरकारां ने देखो अटैक किया दरबार साहब ते, उन्होंने ये चीज़ा रखिया सी उस टाइम दे विच, उन्होंने ब्लड विच की चलता सी, सरकूलेशन की सी उन्होंने अंदर, उन्होंने कोले बाबा जरनैल सिंह जी कोले क्यों नहीं उन्होंने कोल दी लंघदे सी, क्यों उन्होंने टेलीफोनां तों सरकार कम जांदी सी, पर बाबा जरनैल सिंह जी दे अंदर वो रैड बत्ती चलती सी, सिर्फ जपजी साहब ते जिहड़ा होर पाठ जिहड़े 150-200 पाठ जपजी साहब ते परमात्मा दी बंदगी दे जिहड़े शब्द सीगे, हर वक्त 24-24 घंटे दिन रात बाणी पढ़ी जाना, जिहड़ी भावना दी गल करदे हो, कोई भी बंदा साढ़े परिवारों तो साढ़े जिहड़े पंजाब पद्धर तो साडी नौजवानी है जां होर भी साढ़े जिहड़े कोई बाणी पढ़न वाले भरा ने, होर शख्सियतां ने जिहड़े साढ़े मामा भैणां तो लैके, जरूर बाणी का जिहड़ा अभ्यास करना चाहिए जिन्ना क हो सके, भी यह नहीं कहिंदा असीं बहुत ही पता नहीं किन्नी क बाणी पढ़ते हैं, पिन्ना क की करते हैं, जिन्ना क किसी नूं 2-4 मिंट मिलते हैं, बाणी ते भावां नाल बाणी नाल जुड़े रहना जरूरी हैगा, जिहड़ी घटना उत्थे वरतदी है जिहड़ी शक्ति मिलती है, तां सिवल जिहड़ा केवल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी
बाणी चू ही मिलती है, होर कितों ऐसी सख्ती नहीं मिलती हैगी। अंदोलन को भंडन दी बड़ी कोशिशें हुई, तोड़न दी बड़ी कोशिशें हुई, लोगों को उतों मोड़न दी बड़ी कोशिशें हुई। तो हुण एक बेअदबी की घटना बार्डर उत्ते वापरी है, उन्होंने ये भी आख्या जा रहा है कि एक साजिश का हिस्सा है, जिमें उस व्यक्ति ने कबूलनामा भी किया कि सानू 20 बंदे इन्ने इन्ने हज़ार दे के भेजा आ, उस घटना को किवें देख रहे हो? देखो जी, कोई नशे ही है जिहड़ा बंदा कोई बचपन तो ला लो जां कितें भी कितों कोई नशे च पै गया, नशे की दल दल फस गया, जिहड़ा उहदा दिमाग है जिहड़े वह आपां कह दईए कोई दिमाग है वह कम करन नूं हट जांदा, वह सैल कह दो वो चीज़ा खप कम करनों हट जाए, कोई बंदे की कोई जरूरी नहीं कोई गुरु ग्रंथ साहब ना कोई रंजस हैगी है जो कोई जमीन सामनी हैगी है, जिथे कोई नशियां की दल दल में जोड़े फस गए ने जो मैं कोई नशे की लौड़ करके जोड़ा हो सके भी ऐसा जोड़िया उन्होंने देखा जाता जोड़ा है एजेंसियों वालों उन्होंने बंद खरीदया जाता है, उन्होंने तो ही जटनावान वरताईया जाते ना कि कोई उन्होंने निजी रंजस नहीं कोई हो सकती उन्होंने जी हैगी है। बाबा जी फर्क की समझिए, एक पास भावना देखते हैं जी कहती है कि मेरे तो जिन्ना मर्जी तशद ढा लो, मैं अपनी दस्तार नहीं छड़ के आनी, मैं दस्तार लेके जानी है, तो दूसरे पास वो भावना आ जाती है जी भी सोच नहीं करती कि मेरा पिता आ ये मेरा धर्म का वो आगू है जिन्हें मैनू हर सेहत जितों मैं लैनी है। देखो जी ये चीज़ें मैं तुम्हें दस्या वीर जी, जिम्मे कोई दिमाग कह दो जो आप कह दिए भी यार दिमाग ऑफसैट है यार यदा कि दिमाग नहीं कम करता यदा दिमाग हल गया, जो नशियां के दल दल में पैंदा जिहड़ा कोई नशा टाइम हो जाता जिहड़े बंदे नूं कोई नशा करदे आ उहदे जिहड़े दिमाग दे कोई सैल कदों दा दिमाग जिहड़ा हैगा उह कम करन नूं छड्ड जांदा है, कोई जिहड़ा हैगा उहने कोई जे घटना कितें वरताउंदे ने उह किसे सियासतां वल्लों भी बंदे तोरे जांदे ने हैगे, कोई उहनां नूं लालच दित्ते जांदे ने, हुण कोई गरीब ला लै मजदूर ला लै जां किसे तरहां दे भी सैक्स सारे धर्मां च चंगे माड़े हुंदे ने, जिहड़ी घटनावां वरताउंदे ने तां उह कोई स्टैंड लैके जां कोई रुपईयां दे लालच जां किसे होर चीज़ां दे लालच पक्ष नूं रख के भी तुरदे है ने, कोई जरूरी नहीं हुंदा उन्हां नूं भी जा हो सके भी जनसियां दे बंदे ये कम करते हैं भी एक गुरसिख बंदे ने जिहड़े ऐसियां घटनावां पर वो नहीं छेती करते हैं। 250 तो वध घटनावां ने जिहड़ियां गिणियां जा सकदियां ने बरगाड़ी बेअदबी तो बाद जिहड़ियां चलियां ने पंजाब दे विच लगातार हुंदियां आईयां ने, उन्हां वास्ते लंबे इंसाफ की जंग की जाती है, इंसाफ मंगण शांति बैठ शांतिपूर्वक इंसाफ मंग रहे बैठे पुलिस दीआं गोलियां दा शिकार भी होना पैंदा है पर इंसाफ नहीं मिलता की हुण सिख रहत मर्यादा अनुसार जिवें उत्थे कार्रवाई की गई है कि उही इक हल रह गया। देखो जी जदों सरकारां तों देख सानू जे न्याय देख 6-6.5 साल हो गए गुरु ग्रंथ साहिब दा न्याय नहीं दिता, पर जिहड़ा हुण मोर्चा चल रहा है जिन्ना क मतलब सानू टाइम कोई लगता साडा जरूर फर्ज बनता है किसान भरावां नाल दिल्ली जिन्ना एक दिन मिलता है रात मिलती है किसान भरावां नाल बनता योगदान जिहड़ा जरूर पाउणा चाहीदा है। जिहड़ी इह घटना की गल हैगी है जदों सानू प्रशासन सरकारां इह न्याय नहीं दिंदियां, मैटली दस्या जांदा किसी नूं जदों बेअदबी कर दिंदा पहलां तो पूरा अज तो नहीं हैगा, जे घटना सिंघू बॉर्डर ते अज वरती है तो पहलां जिहड़ियां घटनावां वरतियां तां इन्ने सारे जिन्हां नूं फड़िया जा सकदा पुलिस नूं दित्ता जा सकदा है मैटली ऑफसैट कहने का दिमाग परेशान है जी, दवाई खाता जी फलाना करता जी, पर जो सरकार को न्याय ना मिले तो बाबा जरनैल सिंह जी कहते इन्हों जो न्याय सानू प्राप्त करना भी आता है। बड़े लोग इस मुद्दे नू दलित मुद्दा बना रहे हैं कि एक दलित व्यक्ति मार दिता गया है, एक दलित व्यक्ति की बेरहमी के हत्या या कतल ये कह रहे हैं, यदि गल सुन लो जी चाहे कोई बड़ा है कोई छोटा गा कोई किसी भी धर्म जुड़िया पर किसी भी चीज़ का मैं तो इतने तक भी गल जिनी कि मेरी थोड़े इंटरनेट के जरिए गल करते हैं चाहे कोई गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करता है चाहे कुरान की करता है बाइबल की करता है जिदी मर्जी किसी भी धर्म चो किसी भी फिरके का हो किसी भी किसी धर्म में किसी भी टारगेट ऐसा कोई बेअदबी करता है जेकर सरकार तो हुण तक न्याय नहीं मिले तो वह फैसला जिहड़ा आप ही लेना बना फर्ज बनता है। बस अखीर दे विच कुछ गल्लां करनियां होर चाहांगे कि लखीमपुर खीरी दे शहीदां दा उरे अरदास उहनां वास्ते जिहड़ी कीती जा रही है तां इक बड़ा घनौणा पावर दा इक उत्थे उहनां ने दिखाया कि पावर दा नशा की हुंदा है कि पावर च व्यक्ति किहड़ियां गल्लां कर जांदा आ, एक पासे सिख ने जिहड़े इंसाफ मंगदे ने दूजे पासे जिन्हां दे कोल पावर है वह इंसाफ मंगदे सिखां दे उत्ते गड्डियां तक चढ़ा दिंदे। देखो जी जिवें हुण पिछे कहिंदे सीगे सानूं जिवें कहा तुसीं बाबा जी कोई राजनीति च अगे जां होर चीज़ां च, पर मैं कहना जे कोई भी साढ़े बंदियां चो मैं कहना तुसी पढ़े लिखे बंदे नौजवानी है कोई वो एक प्लेटफार्म ते बह के गल नूं बचारिया जावे, जेकर असी पूरी फुल सख्ती च किते नहीं आउंदे तां उह सरकारां अपने झंडे पूरे करके बड़े बड़े अहुदियां ते जा जा के जिहड़ा सानू अपनी जिहड़ी उह सख्ती नूं पूरी जिहड़ा हैगा गा बना के जिहड़ा सानू पेश इस तरह घटनावां वरता रहे ने जदों अपनी सख्ती च उह फुल हैगे ने।
ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੱਥ ਵੱਢ ਟੁੱਕੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ये जिन्ना क मैनू बाकी सारे जाणू ने पढ़े लिखे ने जिमें विचार है कोई कितने ना कि सानू भरा साढ़े ना गल करनी चाहता जां सुन के सानू विचार भी दे कोई जिथे साडा कोई फर्क लगे जां साडे चों किहड़ियां गल्लां च इंटरनेट ते जां किते गल च फर्क लगे सानू उहदा मोड़ जवाब भी दे सकदा कितने ना कितने भी इत्थे भरावा फर्क है कोई बंदा सी रब नहीं कोई फकीर नहीं हैगे पर जिहड़ियां घटनावां ने इहदे विच इही चीज़ हो सकती है जिन्नी कि मेरी सोच हैगी है तां साडे इह नहीं है कि भी सानू कल नूं मैनू मूहरे लै के जां किसी होर नूं पर पूरी कौम आ जिहड़ी इस ते पूरा जाणू होवे इहते सचेत होया जावे तां साडे कोल जिहड़ी ना तां हुण इस टाइम ते कोई कहिंदे ना तां सानू हथियारां दी कोई हैगे सानू ते कृपान शस्त्र पाए ने सानू तां इहते भी जिहड़ा बयान कर दिंदी है अत्तवादी ऐलान दे दिंदी है पर जिहड़ी हुण साडे कोल जिहड़ी शक्ति रहेगी इक सिर्फ वोट तंत्र दी शक्ति रहेगी जिहदे नाल असीं जे कौम नूं पूरे अपने स्टैंड नूं उच्चा कर सकदे हां तां जिहड़ा असीं पूरी अपनी शक्ति चा के इहनां नाल असीं निपट सकदे हां पर मेरे कोल दूजा तरीका नहीं मैनूं लगदा भी हुण शायद होवे तां ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ। ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਰਫਲ ਦੀ ਨੌਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਘੇਰ ਕੇ ਰਫਲ ਦੀ ਨੌਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ केस कटते सी दाढ़ी कटती यार जदों ऐसियां घटनावां वरतन गईआं तां असीं हुण कोई बंब तां नहीं बनाउण लगे पर कोई घट्टो घट्ट यार कोई कृपान शस्त्र तां आपदी हिफाजत दे लई रखिआ। मैं लुधियाणे जदों कितने कोई कम कार गया सानू वीर कहिंदे भी वीरे तुसीं अलाउट नहीं तुहानूं इह चीज़ां लिजाणियां जां कितें ना कितें दसो यार तुसीं ऐं दसो जिदे साडे ते पुलिस प्रशासन लाठियां मारदा पर साडे यार उहदे किहड़े हथियार सी साडे कोल आ शस्त्र नहीं सी इक मैं खाली हत्थ सी जिहड़ा हैगा नहत्थिआं ते बाहर कीता है पर तुसीं उत्थे भी यार जिहड़ा हैगा मीडिया गोदी मीडिया पर उह आवाज़ नूं क्यों नहीं उत्थे पहुँचाउंदा हैगा पर उहदे तां असीं नहत्थिआं ते बाहर कीता पर उहदे तां साडे कोल जिहड़ी कृपान सी उहदे भोग लवाउण वाली कृपान सी पर ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੱਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਚਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਕੇਟੀਵੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਿਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।